नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस अब भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। इसी को देखते हुए रूस के उप प्रधानमंत्री, उद्योग तथा व्यापार मंत्री डोनिस मंटुरोव ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को करेंगे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। बता दें कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी 20-21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सहयोग और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जा रही है। अतीक अहमद और अशरफ मामले में 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रयागराज में पुलिस और मीडिया के सामने हुई थी फायरिंग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस को लेकर मंगलवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था, ISI से पैसे लेकर भारत की जासूसी कर रही है RSS और BJP। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के काम की समीक्षा करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेटार ने कल कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसके बाद आज पूर्व CM ने पार्टी छोड़ने का कारण बताया। सेटार ने भाजपा महासचिव BL संतोष को कांग्रेस में शामिल होने का जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए अभियान का जिक्र करते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि 2019 में बालाकोट मामले ने यह दिखाया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नो वार नो पीस परिदृश्य में भी देश की वायुसेना की ताकत का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद उसके साले सद्दाम को पुलिस अभी तक ढूंढने में लगी हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने उसके लिए गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। इसके बाद IG बरेली रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने सद्दाम पर घोषित 25,000 रुपए की इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। अतीक अशरफ मामले के बाद पहली बार बोले उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, कहा UP में अब माफिया किसी को डरा नहीं सकते। शराबबंदी पर नरम हुए नीतीश तो भाजपा हुई हमलावर। मुआवजे के बाद अब नीतीश कुमार पर करारा कटाक्ष किया और कहा जो पिएगा वह मरेगा जैसी टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही शराब मामले में जेल में बंद 25,000 आरोपितों को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की गई। दिल्ली शराब घोटाला ED के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 26 अप्रैल को इसका फैसला आएगा। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोको आंदोलन के चलते शहर भर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ट्रेनें कैंसिल हो गई है तो कहीं ट्रेनें लेट चल रही है। हरियाणा में पारिवारिक भूमि विवाद के हल के लिए बनेगा कानून। CM बोले लंबित मामले का जल्द होगा समाधान। नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई 200 ml शराब ट्रेटा पैक की बिक्री पर रोक, कहा इससे पर्यावरण को होगा नुकसान। झारखंड हाईकोर्ट में आज कई मामले पर सुनवाई हुई, जहां रोपवे हादसे से लेकर अवैध खनन तक के मुद्दे पर चर्चा हुई। अदालत ने कहा कि रांची स्थित जल स्रोतों और जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के छोटे डोंगर थाने के राजापुर गांव में IED बम लगाए जाने की सूचना मिली है, जहां मौके पर DRG और BDS की टीम पहुंची और तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को जांच के दौरान करीब 5 किलो वजन का IED बरामद हुआ है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, राज्य के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और सक्रिय हो रहे हैं। आपको बता दें कि पदोन्नति के बाद कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सवीना के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश तरलोक सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने स्मार्ट सिटी परियोजना पर खड़े किए सवाल, कहा श्रीनगर के सौंदर्य को किया जा रहा है नष्ट। लापता नहीं है TMC नेता मुकुल रॉय, खुद बताई दिल्ली में होने की बात, बेटे ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार की पार्टी से कथित बगावत की अटकलों के बीच कहा कि अजीत चुनाव संबंधी कामों में व्यस्त हैं, यह सारी बातें सिर्फ मीडिया में है। वहीं अजीत पवार ने कहा कि वे एनसीपी में हैं और यही रहेंगे। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को मुआवजा के लिए ओरेवा ग्रुप ने दिए 14.62 करोड़ रुपए, हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश। राजस्थान के चुरू में कुछ लोगों ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बीच सड़क पर दुर्व्यवहार किया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजस्थान पुलिस एक्शन में आई। वायरल वीडियो के आधार पर राजस्थान पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। गर्मी में तरबूज किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आपको पता है कि तरबूज के छिलके में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम मजबूत करने में काफी मददगार होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो तरबूज के छिलके इस समस्या में आपके लिए बेहद गुणकारी साबित होंगे। तरबूज के छिलके के सेवन से ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी मिनी रत्न कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 330 सरकारी नौकरियों का विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट centralcoalfields.in पर 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।